टेस्टी फैमिली में सबको वेलकम। आज मैं आपको सिंपल टी केक की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो कुछ यूं हैं: 1.5 कप मैदा, आधा कप दूध, 1 कप चीनी, 3/4 कप ऑयल, 3 अंडे, 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस। अब सबसे पहले मैं 3 अंडे डालने लगी इसके अंदर, थोड़ा सा चलाऊंगी। अब चीनी डाल दूंगी 1 कप, रेगुलर चीनी है ये, और इसको इतना चलाऊंगी इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाए। ये क्रीमी टेक्सचर हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल डाल दिया। जिसके पास ये मशीन है, जरूरी नहीं है कि मशीन नहीं है तो वो इसके बगैर बनेगा ही नहीं, आप इसको केक वाले मिक्सर में भी बना सकते हैं। अब ये डाल दूंगी दूध और थोड़ा सा चला लेंगे। अब मैदा और बेकिंग पाउडर, इस दोनों को मिक्स करके, बेकिंग पाउडर और ये मैदा हमेशा जब भी आप केक या बेकिंग करें तो आपने छान के डालना है। बहुत ज्यादा हमें इसको चलाना नहीं, बस इतना चलाना है कि ये बस मिक्स हो जाए। एक चाय का चम्मच वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब मैं इसके अंदर येलो फूड कलर फ्यू ड्रॉप्स डाल रही हूँ कलर के लिए। मिक्सर हो गया, ये सारा खोल के स्पैचुला की मदद से एक दफा इस तरह से कर लूंगी। ये तैयार है। मैं ऑयल के साथ इसको मोल्ड को ग्रीस करने लगूंगी, अच्छी तरीके से साइडों पे भी लगा दूंगी। अब ये पेपर नीचे बिछाऊंगी। ये सारा मिक्सर इसके अंदर डाल दूंगी। मैंने सारा मिक्सचर मोल्ड में डाल दिया। अब हम इसको 2 से 3 दफा टैपिंग करेंगे, इसलिए ताकि इसमें एयर बबल्स हैं वो खत्म हो जाए। अब मैं इसको देशकी में रखूंगी। एक देशका ले लिया है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक फैला के स्टैंड रख दिया है, और अब ये मैं मोड इसके अंदर रख दूंगी और इसको कवर करके 45 मिनट्स के लिए रखूंगी। 10 मिनट के लिए मैं इसको तेज आंच पर रखूंगी, फिर 10 मिनट के बाद मैं स्लो आंच कर दूंगी। 45 मिनट्स हो गए हैं, बहुत मजेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको निकालने लगी हूँ, अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये कितनी सॉफ्ट केक बना है, ये देखें। अब मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ आपको, ये देखें, मज़ेदार सा सिंपल टी केक तैयार है। आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करें कि किस तरह से बनाए, अपने कमेंट सेशन में जाके मुझे बताएं किस तरह से बनाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको आगे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।